सरकार ने भले ही तीन तलाक कानून को लेकर बेहद सख्ती बरत रखी है, लेकिन उसके बावजूद दहेज के दानव तीन तलाक देने से जरा भी बाज नहीं आ रहे। फातिमा परवीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे पति ने तीन तलाक दे दिया। वहीं पीड़िता ने अपने दो सगे देवर पर भी अश्लील वीडियो बनाकर कमरे में घुसकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छेड़खानी करने का आरोप लगाया। बिजनौर के थाना शेरगोट क्षेत्र के हरेवली इलाके की रहने वाली फरीदा खातून ने अपनी पुत्री फातिमा परवीन की तीन साल पहले गुलबहार निवासी गांव मुस्तेपुर थाना कोतवाली देहात के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी शादी के कुछ दिन बाद ही पति दहेज की डिमांड करता था। पीड़िता फातिमा परवीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब वो बाथरूम में ना रही थी, इस दौरान दोनों देवरों ने उसके मोबाइल से अश्लील वीडियो बना ली और उसके बाद देवर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगे। पीड़िता ने उपरोक्त मामला अपने पति से बताया तो पति ने तीन तलाक देकर धक्के मारकर पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया। आपके पति ने आपको तीन तलाक दिया है, क्या बुरा मामला? मेरे पति का नाम गुलवार है, रहने वाला मुस्तफुल का कोतवाली थाना देहात, और मेरी शादी अब से तीन साल पहले हुई थी 27 मई को। कुछ दिन तक तो सही रहे, फिर दहेज की डिमांड करने लगे, मारपीट करने लगे। मैं दहेज की मांग पूरी ना होने की वजह से मेरे साथ मारपीट करते रहे, और एक दिन मेरे देवरों ने मेरी नहाती हुई की बाथरूम में वीडियो बना ली। और उसके बाद एक दिन रात में मेरे कमरे में आ गए वो दोनों, फिर मुझे वो वीडियो दिखा गए। ये उन्होंने कहा या तो हमारे साथ संबंध बनाओ या हम तेरे साथ जबरदस्ती करेंगे या तेरी वीडियो वायरल कर देंगे ये। फिर मैंने मना किया उनसे, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ मेरे नीचे लेटा दिया, मुझे नीचे गिरा के मेरे कपड़े उपड़े फाड़ दिए। मैंने वहाँ मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बच के निकली, और मैंने अपने सास ससुर से कहा और अपने शोहर से कहा, तो उन्होंने भी मुझे मार छेद के तीन तलाक देके घर से निकाल दिया। आपने इसकी शिकायत की है कहीं? मैंने इसकी शिकायत की थी एसपी कार्यालय में, मेरी धामपुर थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, महिला थाने में। अच्छा, एसपी कार्यालय से धामपुर थाने आ गई थी जी? और तो अब आपने कहा कोई और शिकायत की है क्या? हाँ, मैंने आज मैंने कोर्ट में शिकायत की है। क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को फांसी लगे। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। आपकी लड़की को तीन तलाक दिया है, क्या है पूरा मामला? भाई ना मुझसे कोई बता नहीं, तीन साल पहले मैंने शादी करी थी इसकी। जब भी मैं जो दिन कह रही थी अम्मी मैं ठीक हूँ, जने भाई इन्हें डर गया, उसने बताया जने कैसे क्या पता मुझे। अब यो कुछ दिनों रहती रही मार छेद करते रहे, हमारे बच्चों ने कुछ कहा तो उसे मान नो कहा लड़के को भी, इसका भैया जान से मारेंगे। अच्छा, तो क्या बोल लेगी इन्हें टोने फिर आई हो बाद में रुकती गाती मेरा घर। मैं बोली बेटी क्या हो गया? आना अम्मी मुझे ऐसा ऐसा करके घर से निकाल देना तीन तलाक देख कर। अब मैंने गाँव वालों को बुलाया, गाँव वाले बोले ठीक है हम बात करेंगे। बात करी उन्होंने तो आए नहीं भाई उनका बात करने से। दरोगा ने फोन करा, दरोगा लड़की के साथ और भी कोई हरकत करी है क्या? हाँ करी उन्होंने, लड़की को दिखाया था ना, मैंने गांव वालों को मैंने देख लो क्या हरकत करी मेरी बच्ची के साथ में। तो क्या बोल रही गाँव वालों ने बातचीत करी उनसे, तो बस गाँव वालों को धोखा दिया। फिर लोग दरोगा ने बुलाया। आपने इसकी शिकायत की है कहीं? करी थी ना, है भी करी थी हरेवली में भी। और कहाँ कही? एसपी साहब के गए थे हम बिजनौर, वहाँ मेला उसमें आई हमारे धामपुर, मेला में गए तो मेला ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। अब आपने कहाँ शिकायत करी है? हमने कोर्ट में करी। नगिन क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे बारे में इंसाफ हो जाएगा, उन लोगों को फांसी लग जाएगा जिन्हें हमारी बच्ची के साथ ये हरकत करी। हम गरीब बहुत हूँ मैं, मेरा आदमी नहीं है कुछ नहीं, मैं लोगों को बर्तन मान जू पोचा लगा कहीं।